YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करें एक बेहतरीन शेयर जो कि स्टॉक स्प्लिट करने जा रही है, जिससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स काफी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साथ साथ बता दें ये काफी बेहतरीन रियलिटी सेक्टर का स्टॉक्स है। रियलिटी सेक्टर में काफी कम ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं जो कि काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले होते हैं, लेकिन मैंने खोज कर आपके लिए लाया है। ये काफी बेहतरीन काफी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स है। ये स्टॉक्स है इंडको हाउसिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। काफी बेहतरीन, यहाँ पर थोड़ा प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। इंडको हाउसिंग एंड इंडस्ट्री जो है 1985 में कॉर्पोरेट हुई थी, रियल एस्टेट डेवलपमेंट करती है यूपी में। कंपनी जो है प्राइमरी इंगेज है प्रमोशन में कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और टाउनशिप को सेल करने में, रेसिडेंशियल कॉमर्स प्रॉपर्टीज को और प्लॉट को डेवलप करके सेल करने में। कंपनी जो मुख्य रूप से जो अपना कॉमर्शियल स्पेस हाउसिंग सेल करती है टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज टाउन में। अब बात करें यहाँ पर मार्केट कैप का, तो 900 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का प्राइस जो है शेयर का वो काफी हाई है, देखिए 4500 के ऊपर है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.87% का डिविडेंड यील्ड है। डिविडेंड यील्ड काफी शानदार है, इतना ज्यादा ग्रोथ होने के बावजूद यहाँ पर देखिए डिविडेंड यील्ड 1% के आसपास है। अगर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का 30.6% है, काफी बेहतरीन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.8% है, ये भी काफी बेहतरीन है। तो हर पैरामीटर्स में कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। प्रमोटर्स होल्डिंग 54.8%, ये भी 40% ज्यादा है। साथ ही साथ कोई भी शेयर प्लेज नहीं है प्रमोटर्स का। अगर बात करें डेट टू इक्विटी, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रियलिटी सेक्टर में, देखिए यहाँ डेट टू इक्विटी काफी कम है, 0.01, मतलब निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। अगर टोटल डेट की बात करें मात्र 3 करोड़ है, जिसे कंपनी आसानी से दे सकती है, क्योंकि 277 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व है कंपनी के पास। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी सॉलिड है फंडामेंटल रूप से, और कंपनी का जो बिजनेस है वो भी काफी बेहतरीन है। नेट प्रॉफिट 52.6 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट है, जो कि काफी जबरदस्त है। और यहाँ पर हम अगर टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें, तो देखिए यहाँ पर जो टॉप लाइन ग्रोथ है, जिसमें हम सेल्स देखते हैं, मतलब कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है अपने सेल्स से, तो यहाँ पर सेल्स देखिए 60 करोड़ का सेल्स था 2010 में, जो कि बढ़कर के हो गया 159 करोड़ 2021 में। लगभग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2.5 गुना से ज्यादा का जंप है। वहीं पर बॉटम लाइन ग्रोथ, जिसमें हम नेट प्रॉफिट को देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, इसके आसपास के रेंज में था 2010-12 में, जो कि बढ़कर के हो गया यहाँ पर 54 करोड़ का 2021 में। और बॉटम लाइन ग्रोथ भी काफी जबरदस्त, ये तो काफी जबरदस्त है, 10 टाइम्स लगभग हो चुका है। शेयर कैपिटल मात्र 2 करोड़ का है कंपनी के पास, जबकि रिजर्व जो है काफी बढ़ चुका है, 277 करोड़ हो चुका है। और डेट की बात करें, डेट कंपनी काफी डिक्रीज किया है, मात्र 3 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। तो हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन दिख रही है। वहीं कैश फ्लो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारा, तो देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो पिछले 5 सालों से लगातार कंपनी जनरेट कर रही है। साथ ही साथ नेट कैश फ्लो की बात करें, तो नेट कैश फ्लो लगातार पॉजिटिव रहा है पिछले 5 सालों से। हर पैरामीटर्स पे कंपनी फंडामेंटल रूप से काफी सॉलिड है। वहीं इन्वेस्टर की बात करें, तो प्रमोटर्स का स्टेक लगातार इसमें कॉन्स्टेंट बना हुआ है पिछले 2 सालों से 54.83%। पब्लिक का स्टेक भी कांस्टेंट है, क्योंकि 2 ही स्टेक है इसमें, FIDH का स्टेक नहीं है, तो FIDH की नजर से स्टॉक्स काफी दूर है। वही बात करें कंपनी के शेयर प्राइस का चार्ट का, तो यहाँ पर देखिए चार्ट काफी सॉलिड है। अभी स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो अभी आपको अवॉइड करना चाहिए, कोई भी फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक स्मॉल कैप स्टॉक्स है। तो जब तक गिरावट होता है, गिरावट के बाद जैसे रिवर्सल दिखेगा वैसे ही आपको बाय कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये गिरावट हुआ था, गिरावट के बाद यहाँ पर देखिए रिवर्सल दिखाया, क्योंकि ये हायर लो बनाया था। हायर लो जैसे ये बनाया, तो यहाँ पर आप कहीं पे बाय कर सकते थे 3500 के आसपास, तो वहां से देखिए 4700 से भी ऊपर स्टॉक जा चुका है, तो काफी बेहतरीन रिटर्न आपको यहाँ पर प्राप्त होता। तो अभी आपको थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर वीकली चार्ट देखें, देखिए जैसे हम वीकली चार्ट लगाते हैं, वीकली चार्ट लगाकर इसके लॉन्ग टर्म के व्यू को देख सकते हैं, तो देखिए कभी भी स्टॉक्स 2020 का गिरावट के बाद वीक नहीं हुआ है, मतलब चार्ट काफी स्ट्रांग है। यहाँ देखिए कभी भी लोअर लो नहीं बनाया, कभी भी लोअर लो नहीं बनाया, यहाँ पर लो बनाया, फिर ये लो बनाया इसके ऊपर, फिर ये लो बनाया इसके ऊपर, फिर देखिए यहाँ पर लो जो बनाया इसके काफी ऊपर, फिर यहाँ पर जो लो बनाया काफी ऊपर, ये जो लो बनाया ये भी काफी ऊपर, मतलब हमेशा हायर लो बना रहा है, मतलब स्टॉक्स काफी ज्यादा बुलिश है। वही काफी पीछे के हम चार्ट को देखते हैं, तो काफी पीछे के चार्ट भी काफी सॉलिड है। थोड़ा सा यहाँ से स्टॉक 2018 से लेकर के 2020 तक
जो है ये थोड़ा सा यहाँ पर गिरावट में था, मतलब डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स था, अदरवाइज स्टॉक्स लगातार देखिए अप ट्रेंड में रहा है पिछले कई सालों से। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स में ही आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए। जब भी गिरावट मिलता है गिरावट के मौके का फायदा उठाइए और बाय ऑन डिप कीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को हमेशा ग्रीन रखिए। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और इसका जो स्टॉक स्प्लिट है वो फेस वैल्यू 10 से फेस वैल्यू 2 में है, मतलब आपके शेयर जो है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी जो है इस स्टॉक को बाय नहीं करना है, किसी भी गिरावट में बाय करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही बाय करना है। अभी मैंने इसमें आपको बाय करने का राय नहीं दिया क्योंकि स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे है, तो ऐसे में स्टॉक को बाय नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए फेस वैल्यू ओल्ड जो है 10 था और अब फेस वैल्यू न्यू जो होगा वो 2 होगा, मतलब आपके शेयर्स 5 टाइम्स हो जाएंगे, लेकिन जो शेयर का प्राइस है वो 5 गुना कम हो जाएगा। ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई होंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा बेनिफिट करता है। कैसे बेनिफिट करता है उसके लिए आप चैनल पर कई सारे वीडियोज है उसको देख सकते हैं।